मील। तो अभी टाइम है दोपहर का और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ गोश्त में चावल डाल रही हूँ मैं, जिसे तारी भी बोलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा गोश्त लिया, इसमें मैंने अदरक ग्रेट कर ली हूँ और साथ ही मैंने ये कुछ लहसुन पील करके रखी थी, लहसुन डालूंगी। ये पूरा एक लहसुन है। कांदा, टमाटर, जैसे नॉर्मल गोश्त भूनते हैं हम लोग, ये भी गोश्त वैसे ही भूनना है। जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि फिर मुझे पैकिंग भी करनी है। और वैसे हम लोग कल कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। आज मैं आपके साथ में अपनी पैकिंग भी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं इसका कांदा काट के डाल रही हूँ। ये मैंने दो कांदा ली थी मीडियम साइज के। ये पांच छोटे छोटे से टमाटर है, आपके पास अगर बड़े हो तो सिर्फ दो डाल देना बड़े बड़े। ये मेरे पास छोटे थे इसलिए मैं पांच डाल रही हूँ। इसमें ग्रीन चिल्ली नहीं यूज करूंगी, सिर्फ रेड चिल्ली डाल रही हूँ। तो मैं इसमें रेड चिल्ली दो चम्मच डाली हूँ, हल्दी, तीन चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसमें ज्यादा नमक डाली। ऑयल, फिर मैं डेढ़ ग्लास पानी डालूंगी और फिर मैं इसे प्रेशर दूंगी। यहाँ पर मैंने बासमती का चावल धो के भिगो के रख दी हूँ, जल्दी बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी और पानी डाल दूंगी साथ ही साथ में। ये मेरे पास में धनिया रखा था तो मैं इसमें धनिया काट के डाल रही हूँ। फिर तो हम लोग जा रहे थे, ये खराब हो जाता था फ्रिज में रखा या तो फिर फेंकना पड़ता था अभी, तो इससे अच्छा तो मैं इसमें यूज कर रही हूँ इसे। वैसे पहले मैंने सोची थी कि मैं चटनी बनाऊंगी, फिर सोचा कि बस इसी में डाल देंगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि पैकिंग भी करनी है और अहद को अभी मैंने बाहर भेजी, फिर वो आ जाएगा तो काम नहीं करने देगा। ये बस जल्दी जल्दी हम लोग अभी ये धनिया मैं इसी में काट के डाल रही हूँ। पानी डालूंगी मैं अभी, इसके अंदर मैं पानी डालूंगी डबल क्वांटिटी में और फिर नमक टेस्ट करके इसको हम लोग दो भी से आने तक पकाएंगे। चार, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसके अंदर धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आपके पास अगर पुदीना हो तो आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ पर नमक पेस्ट करके इसके अंदर नमक कम ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हो। पहले मैंने इसमें दो चम्मच नमक डाली थी, अभी एक चम्मच पूरा भर के डाली हूँ क्योंकि पीले चावल वगैरह में तारी वगैरह मैंने। तो ये देखिए मेरे चावल की फाइनल लुक बहुत अच्छे बने। ये देखिए तो अभी मैं इनसे करती हूँ सर्व और फिर बाद में हम लोग खाएंगे खाना।
तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है मेरी फाइनल पैकिंग। मैं बहुत दिन पहले से ही अपना बैग धीरे धीरे अरेंज कर रही थी, क्योंकि अहद के साथ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने का मुझे, तो इसलिए मैं सब जो जो मुझे कपड़े लेके जाने थे सब वॉश करके अच्छे से आयरन करके मैं धीरे धीरे सब अरेंज कर रही थी। और ये रात के बज रहे थे 2 जब मेरी फाइनल पैकिंग हो रही थी। अहद को सुला के उसको खाना खिला के वो 1:30 बजे सोया था, तो यहाँ 2 बजे मैं अपनी फाइनल पैकिंग कर रही थी। जो जो मुझे कपड़े लेके जाने थे मैंने उसे अच्छी तरीके से अरेंज करके फोल्ड करके रखी हूँ। मेरे भी अहद के भी जो एक्स्ट्रा मैंने रख दी थी उन्हें निकाली साइड में करी, तो ये हमारी पैकिंग चालू थी। दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इधर उधर कुछ ना कुछ लेके आना था, चीज़ें रह गई थी, अहद की मेडिसिन लेके आनी थी और भी बहुत सारी चीज़ें जो बची थी वो लेने जा रहे थे। हम लोग बार बार शॉपिंग पे जा रहे थे, तो फाइनली ये पैकिंग हो रही है। सारे अहद के गर्म कपड़े और सब फुल स्लीव्स रखी हूँ मैंने, ज़्यादातर कुछ पैम्पर्स ली हूँ और ये प्लास्टिक बैग में मैंने अहद के शूज़ करके रखी हूँ। तो ये अहद का फाइनली मैंने अरेंज कर दी थी अच्छी तरीके से, फिर बाद में अपना अरेंज करी थी। और एक एक हैंड बैग के अंदर अहद की मेडिसिंस, पाउडर, दूध का, पानी वगैरह ये सब चीज़ें अरेंज करके रखी थी, क्योंकि हमें 3:30 बजे घर से निकलना था। तो यहाँ पर देखिए ये अहद का पूरा अच्छे से अरेंज हो गया ये कपड़े, और एक स्पेयर सूट्स वगैरह, हगीज़ वगैरह सब निकाल के मैंने हैंडबैग के अंदर रखी थी, इन केस इन एमरजेंसी मैं वो सब चीज़ें यूज़ कर सकूँ। ये हैंडबैग था जहाँ पर मैंने स्पेयर सूट्स वगैरह रखी थी अहद के। यहाँ पर अभी मैं अपने कपड़े अरेंज करूँगी अच्छे तरीके से, जो एक्स्ट्रा मैंने डाल दी थी वो निकाल के रखूँगी। एज़ पर द वेट हम लोग को बैग अरेंज करना होता है, तो एज़ पर द वेट मैंने बैग अरेंज करी थी। और कुछ ये मेरे दुपट्टे थे जो लेस लगाने गई थी वो एक दिन पहले ही आए थे, उनको मैं अभी ड्रेस के अंदर रख के रख रही हूँ। सब साथ में अरेंज करके रखते हैं ना, ड्रेस, दुपट्टा और ट्राउज़र वगैरह तो ईजी होता है निकालना।
यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग हो गई थी, मैंने फाइनली बैग लॉक कर दी हूँ अपना, और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। ये देखिए ये सारी पैकिंग हो चुकी है, सबके बैग पैक हो गए थे, शायरीन का, मामा डैडी का, मेरा, अहद का, सबका बैग पैक हो गया था, और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, पैकिंग करते करते मुझे 3 बज गए थे, फिर जाके मैं फ्रेश हुई थी, शावर ली थी मैंने, फिर रेडी होके बस हम निकल ही गए थे, बिल्कुल भी आराम करने का टाइम तो मिला नहीं था, फ्लाइट में थोड़ी देर आराम करी थी मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अहद की जो बड़ी लोशन बॉटल थी उसको छोटे बॉटल में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि ईजी और वेट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हैंडबैग में बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था, सिर्फ 7 kg अलाउ है। तो मैंने अहद की जो बड़ी लोशन की बॉटल थी उसको छोटी बॉटल में ट्रांसफ़र करी यहाँ पर और रख दी हूँ। तो यहाँ पर मेरी फाइनल पैकिंग हो गई थी। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।